हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं नदर ब्लॉग में। तो अपने गाइस हम लोग गुडवे कर रहे हैं। तो अपने गाइस मैं नहा चुका हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगा। चलें गाइस, यहाँ तो नहा कर खाना खा कर सो गए हैं, अभी इन्हें हम उठाएंगे। चलें अभी मैं आती हूँ नमाज पढ़ कर, उसके बाद हम अपनी सहरी इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, आलू चाप की हमने तैयारी करके रखी है। ये मैंने अपनी बेटी से कहा था, उसने बना कर रख दिए हैं। मैं इसे बेसन लगा कर फ्राई करूँगी। इसे कटलस भी कह सकते हैं, आलू चाप भी कहते हैं बहुत से लोग, और इसे राउंड शेप में बनाते हैं तो आलू बाउंड्री कहा जाता है उन्हें। चलें जो भी है हम बनाते हैं। और आप लोग बताएं कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, और आप लोग बताएं कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से अच्छे जा रहे हैं रोज़े तो। और बच्चों के लिए थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि आज अजलान आए स्कूल से तो काफ़ी निढाल थे, क्योंकि पेपर था आज अजलान का। तो वो आए हैं तो उनके बहुत वीक हो रहे थे, निढाल हो रहे थे। हमने उनसे कहा भाई नमाज़ पढ़ो और सो जाओ थोड़ा, फिर अब हम उठाएंगे नमाज़ पढ़ें ताकि वह सके। ये देखिए हमारी इफ्तारी रेडी है, अब हम रोज़ा खोलते हैं। आप लोग भी रोज़ा खोलें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इफ्तारी के बाद। देखिए अब इफ्तारी के बाद हमारी किचन की सफाई हो चुके हैं, इफ्तारी कर चुके हैं सब। अब ये थोड़ी बहुत चाट वगैरह जो बची है वो अभी बच्चे खा लेंगे, और इसके अलावा सब हमने सफाई कर ली है। बस यही है कि थोड़ा काम करते वक्त फैल जाता है किचन, क्योंकि किचन छोटा है थोड़ा। खैर अल्लाह मालिक है, इंसान के पास जितनी जो चीज़ जितनी हो बस उसमें मैनेज करना इंसाना सीख ही जाता है, तो हम उसमें मैनेज कर ही लेते हैं। चाहे हमारे मेहमान आए, दावत हो या कुछ भी हो, किसी ना किसी तरह बस मैनेज हो जाता है, कर ही लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने जो भी नवाजा है बेहतर बेहतरीन दिया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बस सब कुछ अच्छे से अच्छा ही करें। तो देखिए मैं रियान को बुला रही हूँ ना, तो ये इस रूम में जाकर बैठ गए हैं, उनको पढ़ने बिठाना है, लेकिन वो बस भाग रहे हैं कि बस पढ़ना नहीं है। रियान ओपन करो, डोर ओपन करिए, मम्मी के हैंड में दर्द है, मम्मा से नहीं खुल रहा। आपको भी ब्लॉग बनाना है? हाँ। जल्दी आ जाओ, बना लेना। ये देखें, ये कल आपने देखा था ये इसी तरह सो रहे थे आसमान, और आज भी इनका सेम यही हाल है कि ये आज भी सो रहे हैं। ये तैयारी के बाद ना इनको बहुत नींद आ जाती है। साथ में इनका मशवरा ये था कि मम्मा आप भी सो जाइए, मैं मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो ये तो बस सो गए हैं। रही अजलान, अजलान, अजलान उठ जाओ बस। अब नहीं ब्लॉग बनाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपको पढ़ने बैठना है। जल्दी से बैग लेकर आइए, गुड बॉय ना आप, जल्दी से। ये देखें रियान का पढ़ाई का टाइम है, रियान पढ़ रहे हैं। रियान जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट करिए, लिखिए। रियान की पढ़ाई चल रही है। ये रियान उर्दू में तो बहुत ही वीक है ना? नहीं दिल दिल चाहता ना उर्दू पढ़ने? नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा पेपर देने। चलिए करिए वर्क अपना। क्या लिख रहे हो? मैं एक लड़का हूँ। लिखिए। मैं फिर इसके बाद लिखूँगा, मैं 5 साल। ये देखें गाइस, ये मेरे हस्बैंड ने पान ला कर दिए है मुझे। ये देखें यमी यमी पान आया है, पान खाएंगे। ठीक है मैं खाऊंगी इसे भी, मैं भी खाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। आप तो खाते ही नहीं हो। मैं तो खाता हूँ। नहीं बच्चे नहीं खाते। ठीक है मैं तो खाऊंगा। चले अब हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। ठीक है
जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलें। कौन से चैनल का नाम तो बता दीजिए। इधर आइए, सामने आइए ना, इधर वीडियो अलमास, वीडियो अलमास, लाइव विद अलमास, लाइव विद अलमास, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।